हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना डायरीज। आज हम बना रहे हैं वेज तंदूरी पुलाव, जिसका नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तंदूरी कोई सी भी डिश हो, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आज हम तंदूरी पुलाव बनाएंगे। तंदूरी पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 कप बासमती चावल लिए हैं। चावल को हमें 3 से 4 बार पानी बदल बदल कर अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना है। जब तक कि पानी बिल्कुल साफ़ ना आ जाए तब तक चावल हमें धोते रहना है। चावल के अंदर बहुत पाउडर होता है, उस पाउडर को हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चावल मैंने 4 से 5 बार अच्छे से धो लिए। अब मैं इसमें 2 कप पानी डालकर चावल को आधे घंटे के लिए सोख करने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक चावल सोख हो रहे हैं तब तक हम मैरिनेट रेडी कर लेते हैं। मैरिनेट बनाने के लिए मैंने 1/2 कप दही लिया है, इसका मैंने पानी निकाला हुआ है, और लगभग 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार हम इन्हें ड्राई मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें लगभग 1 टेबल स्पून सरसों के तेल को गर्म करना है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, उसमें से धुआं आने लगे, तब जो हमने मिश्रण तैयार किया था उस मिश्रण में हमें तेल को डाल देना है। देखिए, इस प्रकार से अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल काफ़ी गर्म था इसलिए इसे ध्यान से करें, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस मिश्रण को हमें एक साइड रख देना है। अब हम इसमें सब्जियां डालकर मैरिनेट करेंगे। देखिए, इस तरह का मिश्रण रेडी हुआ है। गर्म तेल डालने की वजह से अच्छे से पक गया है। अब गैस पर हम एक बड़ा बर्तन चढ़ा लेंगे, उसमें 1/2 कप सरसों का तेल डालकर उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। मैंने हांडी शेप का बर्तन लिया है, आप चाहें तो मिट्टी की हांडी भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब तेल में हम 200 ग्राम पनीर के छोटे छोटे पीसेस करके इनको हम फ्राई करेंगे। हल्का सा इनमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हम इन्हें फ्राई कर लेना है। देखिए, लगभग ये हल्के हल्के से ब्राउन होने लगे। अब हम इन्हें तेल में से निकाल लेंगे। पनीर निकालने के बाद हम 2 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे, उनके भी मैंने पनीर के साइज़ के पीसेस कर लिए हैं, उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। आलू जब 80% तक पक जाएं, तब तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। देखिए, आलू लगभग लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं और ये लगभग 70 से 80% पक भी गए हैं। अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब जो मिश्रण हमने तैयार करके रखा था, उसमें पनीर और आलू को हम मैरिनेट करने के लिए डाल देंगे। उसके बाद मटर के दाने, 1/2 कप मटर लिए हैं मैंने और 2 हरी मिर्च, इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस प्रकार से सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मिक्स करने के बाद हमें इसमें तंदूरी फ्लेवर ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोयले को मैंने 1 मिनट के लिए गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयला जब हल्का सा जल जाए, गर्म हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम एक बर्तन में कोयले को रखेंगे और ऊपर से थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालते ही उसमें से धुआं उठेगा। जैसे ही धुआं उठने लगे तो हमें तुरंत बर्तन को अच्छे से ढक देना है, धुआं बाहर नहीं आने देना है, क्योंकि इसी से तंदूरी फ्लेवर पुलाव में ऐड हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा
अंदर स्मोक है, इसे ऐसे ही 5 से 10 मिनट के लिए ढके रहने देना है। इसी की वजह से पुलाव में तंदूरी फ्लेवर आएगा। धुआं लग गया है, अब कोयले वाले बर्तन को हम इसमें से निकाल कर हटा देंगे। जिस तेल में हमने आलू और पनीर फ्राई करे थे, अब उसमें हमें पुलाव छोंकने हैं। उसके लिए हमने 1/2 चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्ची, 5 से 6 लौंग, 1 फूल चक्री, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 1 बड़ा तेज पत्ता ले लिया है। इससे हमें पुलाव में छोंक लगाना है। छोंक लगाने के लिए पत्ते को मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है क्योंकि काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे। जीरा जब तड़क जाए तब हमें एक एक करके सारे मसाले तेल में ऐड कर देने हैं। मसाले जब अपना फ्लेवर छोड़ दें, उसके तुरंत बाद हमें लगभग 2 प्याज लेने हैं। उनको मैंने लंबाई में काट लिया है, इन्हें अच्छा सा ब्राउन होने तक तल लेना है। देखिए प्याज लगभग पक गए हैं। अब इसमें 1 टमाटर लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। अब जब तक टमाटर अच्छे से गल जाएं, तब तक हमें इन्हें पकाते रहना है। देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें जो सब्जी हमने मैरिनेट करके रखी थी, पनीर, आलू, मटर, हरी मिर्च, उन सबको हमें इसमें ऐड कर देना है। सारा मसाला हमें साफ करके इसमें डाल देना है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अब हम इसे सावधानी से हिलाएंगे ताकि पनीर टूटे ना, और इन्हें तब तक पकाना है तब तक कि ये तेल ना छोड़ दें। इस मसाले को हमें तब तक पकाते रहना है। 2 से 3 मिनट में मसाला पककर तैयार हो जाएगा। देखिए सारा ऑयल मसालों से अलग हो गया है। अब हम इसमें जो हमने सोख करके चावल रखे थे उन्हें ऐड कर देना है। सबसे पहले हमें बिना पानी के चावल ही मिक्स करने हैं, लेकिन चावल गले हुए हैं इसलिए हमें हिलाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, वरना सारे चावल टूट जाएंगे। गलने के बाद चावल सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए इन्हें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सावधानी से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 कप पानी हमने पहले ऐड कर दिया था, अब 3 कप पानी हम डालेंगे। लगभग 1 टेबल स्पून के करीब धनिया की पत्तियां मैंने काट कर इसमें ऐड कर दी हैं। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें इस बर्तन को ढककर 8 से 10 मिनट के लिए चावल को पकाना है। मैं इस पर लिड रख देती हूँ। अब हमें इन्हें 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, अब एक बार हम इन्हें चेक कर लेते हैं। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब एक बार हम इन्हें सावधानी से हल्का सा हिला देते हैं। चावल लगभग पककर तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी हमें इन्हें तंदूरी फ्लेवर देना है। उसके लिए हमें कोयले वाला प्रोसेस दोबारा से करना है। मैं इनको सावधानी से इसलिए हिला रही हूँ ताकि चावल बिल्कुल भी टूटे ना। अब उसी प्रकार से कोयले को गर्म करना है और मिट्टी के बर्तन में रखकर ऊपर से घी डाल देना है। जैसे ही धुआं उठने लगे तुरंत हमें बर्तन को ढक देना है और 5 मिनट के लिए हमें मंदी आंच पर बस ऐसे ही छोड़ देना है। गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर है और 5 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही पकने देना है। 5 मिनट बाद गैस बंद कर देनी है और गैस बंद करने के भी 5 मिनट बाद हमें इन्हें लिड को हटाना है। देखिए
पुलाव बनकर एकदम तैयार है। कोयले वाला बर्तन हम पुलाव में से निकाल देंगे और अब हम पुलाव को हरे धनिए से गार्निश करेंगे। उसके बाद हम पुलाव को सर्व कर लेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त पुलाव बनकर तैयार हुए हैं। वेज तंदूरी पुलाव इतने आसानी से घर पर बनाए जा सकते हैं। तंदूरी पुलाव का टेस्ट सादा पुलाव से बहुत ही अलग होता है। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। और इसमें स्मोकी फ्लेवर जो होता है उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हम इन्हें हरी चटनी, मसाले वाले, दही या रायता, जिससे भी आप खाना पसंद करें उसके साथ सर्व कर सकते हैं। झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही अलग फ्लेवर की है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।